नमस्कार हिमतक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एलाइट का पार्ट टू। और अगर आपका एग्ज़ाम है एलाइट का या आपका हिमाचल प्रदेश का HPPSC का या HPSSC का कोई एग्ज़ाम है तो ये जो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आपके हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको हम आई बटन आप ऊपर देख रहे हैं इस पर आपको पार्ट वन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा ताकि जो पूरी सीरीज है जो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और माकोवल गांव जो बाद में आनंदपुर साहब के नाम से जाने जाने लगा को अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना था किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा आप। और उसके बाद आपको बताना था गांव का नाम था ओल्ड, ये मक वाला गांव। ठीक है, और बाद में इसको जाने जाने लगा था फिर आनंदपुर साहब के नाम से। जो यहां से है उनको पता होगा और बाकी जो हिमाचली है या कोई अदर स्टेट के है उनको जानकारी नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ठीक है नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का वो है ऑप्शन नंबर डी, जो इसका गुरु तेग बहादुर सिंह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। इसका आंसर हम आपको पहले ही बता चुके, जो एलाइड का और जो नायब तहसीलदार का हमने पहले क्वेश्चन पेपर डाला है उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये थर्ड पार्ट है और इसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ठीक है बोशर, इसके जो राजा थे उस समय उन्होंने अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, ना ही आर्मी थी इनको, ना ही फिर जो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती थी अंग्रेजों की वो नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। तो इसका जो आंसर है राइट आंसर है वो है शमशेर प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सके। अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे बन पट्टे पर दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना था, इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिमला जिले के कुछ भागों में कालटा तेगटा गंगटा और चारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना था, गांव के नाम पर, वंशज के आधार पर या परिवार के पेशे के नाम पर या जन्म या के महीने या दिन पर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही होगा, वंशज के आधार पर ये नाम रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई। तो ये आपको बताना था और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्त बरात हो गए। आपको इसका आंसर देना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सही है इसका। ठीक है, गोपाल सिंह जो थे इन्होंने अपने बेटे श्याम सिंह के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन था, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मारा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह गद्दी पर बैठा था। आपको इसका जवाब देना था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करमचंद, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, 1850-51 में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लांबा ग्राउ के किस राइट को रईस को कटोज वंश का मुखिया बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर को आप समझिएगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रताप चंद ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया था। ये आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किशन सिंह ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 1951-52 में इसमें गठित हिमाचल
विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन को एक बार आप खुद पढ़िएगा, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए इसका। जो 91 में, ठीक है, 1951 और 2 में जो पहली विधानसभा गठित की गई थी या नॉमिनेट किए गए थे सदस्य, ठीक है, उनकी संख्या क्या थी, तो उनका आपको आंसर देना था, ठीक है। एसपीपीएससी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। और जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमारा जो मकसद है आपको ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है वो इनको दिखाने का और आपको समझाने का यही मकसद है कि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। तो जो इसका राइट आंसर था वो है 0, ठीक है, 0। अगला क्वेश्चन है, 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 32 ये क्वेश्चन नंबर है। और 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो अगर आता है आपको तो बताइए, आप नहीं आता तो हम बता देते हैं। तो ये थी 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम, ठीक है, ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी। ठीक है, जो कांग्रेस बनी इसका जो इमेजिनेशन की थी ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, वो कहाँ से की थी, पीटर होप, रोथली कैसल, रेड रूप या मैनर हाउस, ठीक है, तो कहाँ से इसने इमेजिनेशन वो कल्पना की थी, ठीक है, तो आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये रोथली कैंसल। अगला क्वेश्चन है, 99 में, ठीक है, 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था। ठीक है, 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था, मथुरादास, हरदेव, मियाँ ज्वार सिंह या शोभा राम। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, शोभा राम, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी। ये आपको आता होगा क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं उनको कन्फ्यूजन सिर्फ इन दोनों पर होती है, ठीक है, भगमल सोट और ये जो शिवानंद राम मोहल्ला है, ठीक है, इन पर कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, बी और डी जो ऑप्शन है इसके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन था, 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। तो ये आपको बताना था, और ये कहाँ हुई, मंडी में, शिमला में, सोलन में या फिर जुब्बल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये सी, सोलन में ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 26 जनवरी 1948 में, ये सोलन में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर कर्म सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, और आपको इसका आंसर बताना था। आपको क्या लगता है, सरका घाट, जोगिंदर नगर, धर्मपुर या चिचोट के। तो ऑप्शन नंबर जो डी है चिचोट, ये सही है, ठीक है, एक बार दिखा देते हैं हम आपको, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई। तो इसका आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे, ठीक है, 1966 में, 68 में, 71, 2 में। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना 1968 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, त्वारिक, जुब्बल, कोहिस्तान, शिमला के लेखक कौन है। तो इसका आपको बताना था आंसर, ये क्वेश्चन आपको एलआईड के एग्ज़ाम में, प्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर बताना था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था, रणजोर सिंह, गणेश सिंह, बेदी, भगवान दास, अक्षर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भगवान दास की ये तीनों बुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है। आप क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है आपने, और उसके बाद अपना जो कमेंट है वो पोस्ट करना है, वीडियो को अपने लाइक ज़रूर करना है ताकि हमें भी आपका रिस्पांस मिलता रहे। और अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, तो आप जो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है,
आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अगर किताब से नहीं पढ़ पाते तो कोशिश करिए कि यूट्यूब चैनल हिमतक पर आप जुड़े और आपको डेली हम सिलेबस का, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का, जो आपका कोई भी टेस्ट है, ठीक है, पुलिस से लेकर पटवारी तक या जो भी एलाइड तक है SPS का, उसके लिए हम जनरल नॉलेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है क्या हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है, बोट लांबा काम्पा या डोम, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए, अनुसूचित जातियों में डोम शामिल नहीं है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने जो जनगणना हुई थी अगर उसके आंकड़े आपने पढ़े हुए हिमाचल प्रदेश के या इंडिया के, तो आपको पता हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, ठीक है, क्वेश्चन ये था। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर, ठीक है, ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में अपराधों की संख्या 2014 में सबसे अधिक रही। क्वेश्चन नंबर जो 42, इसको आप समझिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सर्वाधिक रही थी, ठीक है, 2014 में सबसे ज़्यादा रही थी। कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, ठीक है, इसमें बिलासपुर नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कांगड़ा, क्योंकि इसकी आबादी बहुत है, इसलिए क्राइम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, वर्षों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तांगुनी रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, सिरमौर, कुल्लू, शिमला, चंबा, कहाँ है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। तांगुनी रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन कर लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, मंडी, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, तो जो बिलासपुर है इसका, ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, तो इसके लिए इसका चयन बिलासपुर का किया गया है। अगला क्वेश्चन था, सर्वरी जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 45, और इसको समझिएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्यास, ये सही होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र से नहीं है, ठीक है, या निजी क्षेत्र की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन को समझिएगा एक बार आप, कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, इट मीन्स कि ये सरकारी और जो प्राइवेट उसमें नहीं है सेक्टर में, ठीक है, ये प्राइवेट किसी ठेकेदार या किसी बिजनेसमैन की नहीं है, तो जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, रुकटी, ये सही है, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, HPLIT का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, परे का, 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों की प्रतिशत क्या था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था HPLIT का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है, इसमें जो आपको सही बताना था वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 87.95% ये सीमांत जोतों की प्रतिशत, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापित की गई थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, और 2010-11 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, तो आपको बताना था नूरपुर, शाहपुर, सुजानपुर, पालमपुर में कहाँ थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पालमपुर, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा और नोट करते जाएगा जो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको जॉब चाहिए या अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के यूट्यूब में भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है, सब ने अपने अपनी राम कहानी सुनाई हुई है, इसलिए हम आपको ऑफिशियल जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इस चैनल के जरिए, हिमतक के जरिए। अगला क्वेश्चन था, पॉली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल में कितना उपदान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, आपको इसका आंसर बताना था।
तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, और आज हम 60 क्वेश्चन ये डिस्कशन इनकी करेंगे। शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 50 है, और इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था। ऑप्शन नंबर ए है मशोबरा, कनेटी, चिड़गांव या ज्योरी। तो जो सही आंसर था इसका वो है ज्योरी, जो शिमला से वो जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जलाशय के प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये मछलियों का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, चमेरा कहाँ, ये चंबा में, ठीक है, पोंग डैम कहाँ, ये आपको पता है, गोविंद सागर कहाँ है आपको पता होगा, रणजीत सिंह डैम कहाँ पे आपको ये पता होगा। तो जो इसका राइट आंसर था वो आपको बताना था, तो गोविंद सागर ये ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 51 का, कि सबसे ज़्यादा किस जलाशय में, ठीक है, जलाशय में ये डैम वगैरह जो आपको बताए जा रहे, ठीक है, किस डैम में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, तो ये गोविंद सागर बांध जो है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, स्वांग नदी पर एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना उन्ना में कौन सा देश सहयोग कर रहा है, स्वांग नदी, ठीक है, इसको आप समझिएगा। अब जो जलागम प्रबंधन परियोजना उन्ना ये, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, और कौन सा देश है इसमें जो सहयोग कर रहा है, ठीक है, जापान, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस। तो जो राइट आंसर है इसका वो है जापान, ठीक है। स्वांग और चुआन का ये नाम सुनकर ही आपको या तो चाइना की याद आनी चाहिए आपको या फिर जापान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है 53 ये क्वेश्चन नंबर जो है इसका आपको बताना है कि दूध गंगा स्कीम कहाँ चलाई जा रही है, ठीक है, जो किसके सहयोग से चलाई जा रही है वो हम आपको बता देंगे, परंतु कहाँ चलाई जा रही है आपको ये बताना है, ठीक है। आप उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए कहाँ पर चलाई जा रही है, वहाँ जगह का कौन स्थान सा कौन सा उसका वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर है 53, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, ठीक है, ये पूछता था आपसे एलाइड का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उस पर हम आज जानकारी आपको दे रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है नाबार्ड, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वनों के अधीन है, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिएगा, हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक मेन ज्योग्राफिकल, ठीक है, और कितना परसेंट वनों के अधीन है, ठीक है, ये फॉरेस्ट के अंडर, ठीक है, तो वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये 66% बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, शाह नहर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, आपको इसका आंसर बताना था, ये आपसे पूछा गया था पहले, और जिनका एग्ज़ाम है अभी एलाइड का उनसे भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि बार बार 10 से 15 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना था शाह नहर पर सिंचाई परियोजना किस जिले में, तो ये है कांगड़ा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों में कितने रेलिंग यूनिट निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, रेशम के धागों के रेलिंग यूनिट, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया आपको, और बिलासपुर जिला पूछा हुआ है, ठीक है, तो निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में 31/12/2014 को सभी रोजगार कार्यालयों में सक्रिय पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो इसमें कुछ हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, गलत हमने टाइप कर दिया थोड़ा सा। तो हिमाचल प्रदेश में 31/12/2014 में सभी रोजगार कार्यालयों में, ठीक है, जो पंजीकृत ऑफिस होते हैं, ठीक है, उनमें बेरोजगारों की संख्या कितनी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2014 में 10 लाख थी और मीडिया वाले 5 से 6 लाख बता रहे थे, ठीक है, और आज है 2019, आप खुद अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि 2014 में 10 लाख थी तो 2019 में 5 सालों में कितनी बेरोजगारी हुई होगी, और जॉब जब निकलती है तब 10 से 15 पोस्टें निकलती है और उस पर पूरी फिर नज़र होती है लोगों की।
अगला क्वेश्चन था, कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी है? ठीक है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी है इसमें? ये कौशल जो स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम चला हुआ है, ठीक है, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कौशल भत्ता है, ठीक है, आपको दिया जाता है, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी हुई है? तो 5वीं, 8वीं, 10वीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पास है अगर आप, तो ये स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चला हुआ है, ठीक है, कौशल भारत या कौशल भारत, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्किल इंडिया। और अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में किराए में कितनी छूट दी जाती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आपको बताना था, ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे आपको, इसका जवाब आपने देना, ठीक है। और अब कल जो पिछली वीडियो है, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किसने चंबा के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, ठीक है, बहुत से लोग जिन्होंने कमेंट किया है उनका जो राइट आंसर था औरंगजेब, और सब ने औरंगजेब कहा था, ठीक है, तो सबके आंसर सही है जिन लोगों ने भी उसके रिस्पांस किया है, ठीक है। और इसका जो है वो हम आपको बता देते हैं, तो इसका जो है वो HRTC की बसों में किराए में कितनी छूट दी जाती है, ठीक है, ग्रीन कार्ड और एक होता है स्मार्ट कार्ड, ठीक है, बसों की बात कर रहे हो, बस में भी स्मार्ट कार्ड होता है, ठीक है, ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, येलो कार्ड बंद हो चुका है, ठीक है, तो इसमें पहले थी 30%, ठीक है, अब बेस में 25%, ठीक है, एक सिल्वर कार्ड भी होता है, ठीक है, जो ब्लू कलर की जो बस है उसमें यूज होता था, ठीक है, शायद अब है या नहीं, वो बंद हो चुका है। और अगला क्वेश्चन था 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में होम स्टे योजना के अंतर्गत लगभग कितनी इकाइयां पंजीकृत है? क्वेश्चन को आप समझिएगा, 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, जो इकोनॉमी सर्वे हुआ था 2015 में हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, उसमें होम स्टे योजना के अंतर्गत ये स्कीम थी एक होम स्टे, ठीक है, इसमें लगभग कितनी इकाइयां, कितनी यूनिट रजिस्टर थी, ठीक है, वो आपको पूछा गया इसमें, ठीक है, इकाया मीन्स यूनिट, ठीक है, और पंजीकृत रजिस्ट्रेशन इनकी कितनी हुई थी, तो वो आपको बताना था, इनमें से एक इनका आंसर है, ठीक है। और आपने चैनल को फिर लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगा कि आपको कुछ और हेल्प चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज का मटेरियल आपको चाहिए, तो वो हम आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही दे सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर अब सबको हम नहीं भेज सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जो आती है बेल आइकन एक छोटी सी, उसको आप दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आएगी, हम सबसे पहले हिम तक इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुँच जाएंगे। और जो भी लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी की बुक से नहीं पढ़वाते हैं, तो वो हमसे जुड़ कर इस चैनल से आप ये करंट अफेयर की या फिर जो हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, या आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन ओल्ड पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, तो वो इस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल हिम तक पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बने रहिएगा।